बखिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया तो आप बीती के हवाले से जैसे मैंने हमेशा अर्ज किया कि हम जो है वो मशे राह बनाने के लिए अपनी जिंदगी की उन्हीं गोशों को जिक्र करते हैं जो हमारे लिए मश भी हों और काबिल तशक् भी हों तो आज वाक मुझे याद आया तो कि मेरे वालद नस्बती शहीद इस्लाम मेरे पिरशद मौलाना मोहम्मद यूसलुद्धियानवी शहीद रे हवाले से कि जिस साल हम दौरा हदीस में पहुँचे कि जामयतुल्लू इस्सामी लामा बिनौरीटा कराची पाकिस्तान में वहाँ मैं दौरा हदीस में पहुँचा जब तो दौरा हदीस में अबू दाऊद शरीफ का सबक जो है वो शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुरानवी शहीद रहमत ला ने पढ़ाना था तो वो अबू दाऊद शरीफ जो है उनके हिस्से में आई थी अब जब इस जैसे कि सुबह घंटे शुरू हो जाते पहला दिन था घंटे शुरू हो जाते हैं जी बुखारी का है जी अब तिरमिजी का है जी अब जी है फला फ़लां फ़लाँ यहाँ तक कि अब जो है ज़ोर के बाद जो है वो हजरत का सबक होता था तो हजरत शहीद रमत के सब जोर के बाद अबू दाऊद शरीफ़ का आज पहला दिन है तो अब जब सारी दौर हदीस की क्लास बैठी है और हज़रत जो है वह तशीफ लाए अच्छा मुझे उससे पहले पीरो मरशद की भी तलाश थी कि मैं कोई पीरो वो चाहता था कि मुझे कोई पीरो मरशद मिल जाए मैं तलब इलमी के ज़माने में सुल्तान आरारफीन हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहीम तय ख़ान का जाया करता था अपने बड़े भाई साहब के साथ हमारे बड़े भाई साहब शेखुल हजरत मौलाना जलील अहमदाखून दामद बरक़ मालिया जो वादे साहब का कायम का दर मदरसा जो बहाल नगर में है मदरसा जाम ईदगाह बहावल नगर पाकिस्तान पंजाब में है तो वहाँ के इस वेखीसौ और मोत्मि है तो उनके साथ हम जो है हर जुमे को अजाकि अख्तर साहब के सुनने जाते थे तो क्या छः आठ साल हम वहाँ जाते रहे तो इसी तरीके से जो और अकाबर उम्मत आते रहे बिनोरी टाउन में उनसे मैं मुलाकातें करता रहा फिर मौना सरफराज खां सफर इमाम आलोन गुजरहाल में वहाँ मैंने दौरा तफसर किया उनसे भी मेरी मुलाकातें रहीं लेकिन बैत होने के हवाले से दिल के अंदर वो एक कशिश कभी नहीं आई कि मैं फलां से बैत हो जाऊँ तो लेकिन तलाश थी मुझे तड़प थी कि मैं बैठ हूँ तो अब ये पहला दिन है कि हजर शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसरदी जय दरसगा में आए अब मैंने उनका सरापा देखा सफ़ेद शलवार सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद अमामा और ऐसा एक नूर नूरानी चेहरा है बस नूर का एक जो गुड्डा चला आ रहा है हजरत बड़े हसिनो जमीर खूबसूरत नाम मोहम्मद यूसफ था तो हुसन में भी यूसफी थे ऐसे अनुरत अब वो आए अब मुस्कराते हुए आ रहे हैं दरसगा में आके बैठ गए मसरत पे अब मैं देख रहा हूँ मैं बैंकि यार मैं देखते ही हजरत की खास अकीदत मोहब्बत दिल में मेरे बैठी बाकी यार क्या बात है इतबाई सुन्नत का इतना लिहाज और हजरत जब हदीस पढ़ाने आते खुशबू लगाते वजू फरमाते और पूरे अमाम में अहतमाम के साथ आते अब हजरत बैठे अब हजरत ने जो है वो कुछ ये मबादियात जो हदीस के हवाले से शुरू कर दिए अब दो शरीफ के हवाले से कुछ मवादियात और कुछ तिलावत करवाई ये बात की और उस दिन हजरत एक सवाल कर दिया वो गुफ्तु करते 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 एक सवाल आया सवाल आया तो हजरत ने वो सवाल कर दिया सवाल हजरत ने यह कर दिया हजरत फरमाया कि भाई ये बताओ कि भी अल्लाह तबारक व ताल अपनी ज़मीन से निकाल कर किसी दूसरे के ज़मीन में ले जा सकता है बंदे को अपनी जमीन से निकाल के किसी दूसरे के जमीन में ले जा सकता है इस पर अल्लाह कादिर है यह सवाल पूछा अब सारी दौरा हदीस की कला खामोश हमारे एक सौ पचपन साथी थे खामोश अब हजरत पूछे सारे दौरा हदीस को देखे तो हजरत सीधे आती तो वालों की कहा अब यमीन ऐना साहबुल यमीन चुप फिर उल्टी ऐना सहाबुलशमाल खामोश आन अलवासत पूछ रहे अब सब चुप अच्छा मुझे जवाब आता था और मैंने ये दर्जा सानिया के अंदर ये जवाब जो है मौलाना बदी जुमान साहब रहा हमारे उस्ताद थे और हमें जो है वो हिदायतुलनाव पढ़ा रहे थे तो मुझे उस वक्त मैंने उनकी बात से यह जवाब अखज़ किया था और फिर यह है कि दरमियान में फिर मेबजी वगैरह ये किताबें वो पढ़ी जाती हैं उसमें ये अकायद की और इलम कलाम की बातें आती हैं अब सारी क्लास तो हजर फरमा के मियाँ तुम लोग तो दौरे हदीस के तालेम हो और सारी मनाजिर इलम की हासिल करके तुम तो हदीस नबी पढ़ रहे हो ये तुम्हें जवाब क्यों नहीं आता भाई भाई कुतुब में कोई भी नहीं कोई भी रजुल रशीद नहीं है, है? अब जब अच्छी तरह मैंने अंदाजा किया कि बिल्कुल कोई किसी को भी पता नहीं है अब मैंने हाथ खड़ा यूं हाथ उठाया तो हजरत ने यूं अपने उल्टी तरफ देखा सामने मैं था पीछे फरमाया जी कौन तो सब बोले मुनीर है जी मुनीर है मुनीर हाँ जी मौलाना बताइए क्या अल्लाह में मैं हजरत सवाल क्या है कहा सवाल यह है क्या अल्लाह तबारक मतला अपनी जमीन में से निकाल के किसी दूसरे की जमीन में ले जाने पर कादिर ले जा सकता है मैंने कहा नहीं ले जा सकता हजरत नहीं ले जा सकता कहता नहीं ले जा सकता है यू हजरत यूं हैरानी से यूं मुझे कहा है अब सारे साथी मुझे देखिए मैं मुझे ये साथी होते हैं मुझे हाथ बनाए मुक्के बनाए बेवकूफ ये क्या तूने कह दिया कि अल्लाह में नहीं जा सकते तो हजरत फरमाते इनकाला कुली शयइन कदीर इन अल्लाह ला कुली कदीर, कदीर। अल्लाह तो हर चीज पर قادر है अल्लाह कैसे नहीं ले जा सकता अब मुझे ये अज़ीकर अब अब साथी घूर भी रहा मुझे साथ और कोनी मार रहा यार ये तुमने क्या कह दिया है तो मैंने कहा जी मैंने कहा इन शेन शदीर जो है इसका ताल्लुक मुमकिनत के साथ है मुमतानियात के साथ नहीं है मुमतानियात और माहलात पर कादिर नहीं है मैंने ये बात कही अब बहुत से तलबा के दो ऊपर से गुजर गई ये बात तो, तो, लेकिन हज़रत तो समझ गया मैं कहाँ से बोल रहा हूँ हजरत फरमाया कि क्या मतलब मैं कहरत मतलब यह है कि अल्लाह अपने जमीन से किसी दूसरे की जमीन पर ले जाने पर इसलिए कादिर नहीं इसलिए कि अल्लाह की जमीन के लाव दूसरे की जमीन है ही नहीं अल्लाह जिस भी, भी जमीन में लेके जाएगा वो अल्लाह की जमीन है तो अल्लाह के अलावा किसी और की जमीन है ही नहीं आ, वा तो जब अल्लाह के अलावा किसी और की जमीन में है ही नहीं कि अल्लाह मुल्क उस समाद तो लहू मुल्क उस समाती सब अल्लाह ही की जमीन है तो अल्लाह की अपनी जमीन से निकाल के किसी जमीन में ले जाएगा जब यह बात कही तो अब तलबा की आंखें खोली और हजरत जैसे ये सुना मुझे आज तक याद है कि हजरत ने जैसे सुना और आसमान की यूं निगाह हजरत की और हजरत फरमा रहे शाबाश 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 तीन दफा फरमाया ऊपर देख के और अजीब हजरत पे एक खास कैफियत तारी हो गई और झूम झूम के मुझे शाबाश शाबाश कहने लगे और जो दुआएं देना शुरू की जो दुआएं जो पे को वजह आ गया ए, पहला दिन है ऐसी नजर पड़ गई और हजरत जो दुआएं दी कि जिस अंदाज से मैंने उसको वाजे कर दिया मसले को बस वो पहले दिन की दुआ और कहते पीरो बुरशद की नजर पड़ गई नजर पड़ गई और सारी क्लास के अब सर नीचे कह यार मुरीर तू तो वहां पहुंचा जहां हमने सोचा भी नहीं और यार हमने समझा पता नहीं क्या बात कर दी तुमने कैसी सती बात लेकर हमने सती जैसे सोचा लेकिन तूने तो बड़ी गहरी बात अल्लाह की रमत अल्लाह ने लगाया हजरत बड़ी दुआएं दी बहुत खुश हुए और ख़ैर पे सबक ख़त्म हो गया जैसे सबक ख़त्म हुआ और हजरत गए तो क्लास सारी मुझे लिपट गई और मुझे आज तक याद है उनमें मेरा एक साथी था मौलवी शकील अच्छा मौलवी शकील जो कराची का लड़का था वो कराची वालों की तरह जो स्टाइल में उर्दू बोलता था तो मुझे कहता मौलवी मुनिर बस तैयार हो जाओ तुम्हारी शादी हजरत के यहाँ होनी है मुझे उस बंदे की बात पे हैरानी है जो उसने बात की पूरी हो गई अच्छा का तैयार हो जाओ बस इनशाला हजर रुदियानवी शहीद रुझियनवी जैसा सुसर मिलेगा तुम्हें अच्छा। आ, तुम्हारी शादी फैसला हो गया है मैं कि यार क्या बात कर रहे हो हज़रत का इतना ऊंचा मुकाम अल्लाह की बली और हम तो सोच भी सकते थे मैं कि यार कैसी बात नहीं नहीं यार कहता है हज़रत बिनौरी रहमतुल्लाह ने अपने शागिर्दों के अंदर होनहार शागिर चुने और बेटियां दी और उनको बेह मकामी विलायत अदा कर दिया बात तैयारी बंद हो हज़रत मौाया यूसुफ बनौरी रहमतल्ला जो तो कहते तो हैं उन्होंने भी ऐसी बेटियाँ दी हैं देखो मुफ्ती अहमदुररमान को जैसे मौलाना हबीबाल मुख्तार को देखो मौला मोहम्मद तासीन को ये सब को ये बेटियाँ दी हैं तो ये अल्लाह वाले ऐसी कहते हैं कि अल्लाह वाले हजर शुबिल की सुनत भी अमल करते हैं हज़र शुब इस्लाम ने जैसे घर में रख के मूसअ इस्लाम को बेटी दी और उनको नबूबत के का रंग लगा दिया कहते बैर हो जाओ अब तुम पर विलायत रंग लगने वाला है तो मैं हैरान हूं कि वो नौजवान मौलवी उससे उस, उस वक्त जो बातें की वो अल्लाह ने कैसी क्या कबूलियत का वक़्त था अल्लाह तबारक तआला ने कैसे उनको मंजूरियाँ दी जी और जिना फिर वो वक्त आया कि जहाँ हजरत शहीद रमतल के यहाँ जो है वो मेरे जो है नस्बत निका की क़ायम हुई और वहाँ पर जहाँ फिर उनकी नज़र तवज् तो पड़ी और फिर विलयत मार्फत के रास्ते के अंदर जो है आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे अगर जो उन्होंने जो नजर मोहब्बत डाली उसका हक़ तो नहीं अदा कर सका लेकिन यह है कि बहर हजरत ने जो है कोशिश की है कि कहते ही को तराशें हैं या पत्थर को मोती बनाएं कोशिश की है अब जितने बन पाए बन पाए अल्लाह तबारक उनकी मोहब्बतों और उनकी शौक की वजह से मजीद बना दे तो ये वो वाक़ मुझे याद आया कि हजरत की नज़र पड़ी पहले दिन और फिर आगे फिर किस तरीके से पुरोसी चलते चले गए इन शह फिर शादी के अहवाल बनने लगे वो भी इन अपने वक्त पे आबीती में बयान करता रहूँगा अल्लाह तबारक वाली हजर शहीद रमतल के दर्जात बुलंद करे और उनकी जो नज़र मुहब्बत पड़ी उनकी बरकत से विलायत मार्फत का हकीीकी नूर अम्ह अता फ़रमा दे आमीन या रब्बा वाह जब बहुत जबरदस्त वलीअल्ला की एक नजर कहाँ से कहा पहुंचा देती है इंसान को बिल्कुल बस वो ये निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें किताबों से नवाजों से नजर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा और ये नजारे तो मैं देखे हैं देश्चार। और हजरत लुधियानवी शहीद रमत जैसा वाली सुबह उनकी वाकई निगाह विलात पड़ी और मैंने क्या क्या नज़ारे देखे हैं ये अल्लाह तुम्हारे बता ली जानते हैं जी जीतर सही बात, बात। आइंदा जरूर शेयर कीजिएगा कुछ हौसला बनेगा